पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सतीशकांत। इस समय मैं बता दूं, राजधानी लखनऊ के पवित्र स्थली कुड़िया घाट पर हूं। कुड़िया घाट की आप स्थिति देखेंगे तो साफ तौर से उधर देख पा रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ किस तरीके से यहां पर जो नदी है, नदी के ऊपर हरे रंग की परत जमी हुई है। इस परत को हटाने के लिए लगभग 5.5 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया जाता है। एक मयंग नाम के व्यक्ति इसका टेंडर लेते हैं और उसके बाद साफ सफाई की आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो साफ तौर से आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। दूर पर आप देख पा रहे हैं दो नाविक बैठे हैं। इनके बारे में बता दूं तो जो चार नावें रखी गई हैं और 8 व्यक्ति इसको चलाने के लिए यहाँ साफ सफाई के लिए भी रखे गए हैं। आप साफ तौर से यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अंदर काई जमी हुई है, गंदगी है। और जब मैं जब यहाँ पर एंट्री किया तो मैंने साफ तौर से आते हुए देखा कि अंदर लोग कपड़े धो रहे थे और नहा रहे थे, जो कि पूरी तरीके से बैन है यहाँ पर। पवित्र स्थली पे आरती करने के लिए और पूजा करने के लिए ये स्थानों को रखा गया। पीछे आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो बैठने का स्थान है, जो जीने बने हुए हैं यहाँ पर लोग बैठते हैं, लेकिन गंदगी कारण यहाँ पर इस समय नहीं बैठ पा रहे हैं। और साफ तौर से आपको दिखाऊंगा, मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएँ, तो यहाँ पर एक बड़ी मछली जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मर चुकी है, वो अंदर आप साफ तौर से देख पा रहे हैं गंदगी के कारण और आसपास जो केमिकल जो डिटर्जेंट पाउडर में जो यूज़ होते हैं उसके कारण ये मछली की भी मृत्यु हो चुकी है। साफ तौर से एक बड़ा प्रोजेक्ट ऊपरी स्तर पर बताया तो जा रहा है कि बड़े स्तर पर वर्क हो रहा है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो ग्राउंड की रियलिटी है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। और भी अंदर चलूँगा और दिखाऊँगा यहाँ पर एक्चुअली रियलिटी क्या है। कुड़िया घाट पे ऊपर चल रहा हूँ और आप जस्ट मेरे पीछे एक बोर्ड देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है नो टोबैको जोन, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किसी भी प्रकार की खाद्य पेय पदार्थ, पानी की बोतल आदि का प्रवेश प्रयोग वर्जित है। घाट एवं गोमती नदी के पवित्र जल को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। 500 रुपये का जुर्माना है अगर उल्लंघन किया जाता है तो। और जस्ट पीछे मेरे एक और बोर्ड देख रहे हैं जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर लिखा हुआ नगर निगम लखनऊ, घाट पर हवन पूजन सामग्री फूल माला विसर्जित करना है, कपड़े धोना सख्त मना है। और नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अजय कुमार द्विवेदी लिखा हुआ है नगर आयुक्त। इस समय नगर आयुक्त आप जानते हैं मौजूदा स्थिति में इंद्रजीत साहब है। इंद्रजीत साहब को ये तक नहीं पता है कि जो पुराने जो नगर आयुक्त हैं उनका नाम आज तक लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये नहीं पता। बगल में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्टर नो अब्बास रिजवी, जो कि जोनल अधिकारी है जोन 6 की। समझ सकते हैं किस तरीके से किस स्तर पर अनियमितताएँ बढ़ती जा रही है। नो टोबैको जोन देख ली, ये भी आपने देख ली। आइए आपको और पीछे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर सिगरेट पान मसाले की दुकानें भी हैं, आपको लेकर चलता हूँ पीछे। यहाँ पर जो आप दुकानें देख रहे हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें भी अवेलेबल। आइए मेरे साथ चलते रहिए, हर चीज़ें आपको दिखाता हूँ किस स्तर पर अनियमितताएँ हैं। एक तरफ ऊपरी स्तर पर बात किया जाता है कि सफाई रखी जा रही है और यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे जगह पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुड़िया घाट से निकला हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से रॉयल यहाँ पे पल्स। मैडम ये बात करना चाहते हो, क्या सिगरेट मिल जाएगी यहाँ पे? सिगरेट पान मसाला मिल जाएगा या नहीं? क्या हुआ क्या? अरे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पता चला कि सिगरेट महंगे रेट पे बेची जा रही है। नहीं। क्या रेट है सिगरेट का? नहीं हमें पता। अच्छा ये पान मसाला क्या रेट पे? क्या हुआ क्या? मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे अंदर लिखा नो टोबैको जोन, मतलब मना किया हुआ है कि पान पुकार या फिर ऐसा मसाला वगैरह नहीं खाया जा सकता, अंदर नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी यहाँ बाहर मिल रहा है, किसकी अनुमति से? ठीक है सर, ये हम बात आपकी मानते हैं, मगर यहाँ पे बिक रहा वो ठीक आपको दिखा टंगा दिखा कि बिक रहा है जी। जब बाहर से पब्लिक आती है ले के आती है सिगरेट ले के आती है, ये पीती है यहाँ पे, अच्छा मतलब पीती खाती है, तो वहाँ पे क्या चेकिंग लगी है, कोई करता है जी? तो ये गलती यहाँ पे नगर निगम के अधिकारियों की मानती है ना? नहीं मतलब हम ये नहीं मानते, जैसे यहाँ का बंद करा रहे हो ठीक है यहाँ बंद हो जाएगा, मगर आगे से आदमी लाएगा यहाँ पे मतलब खाएगा पिएगा तो नाम तो यहीं का बदनाम होगा। बिल्कुल। अच्छा ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे कर्मचारी चेकिंग के लिए नहीं है? आते हैं चेकिंग के लिए कभी कभी आते हैं। हाँ। यहाँ पे है या नहीं है यहाँ पे? अभी इस समय हमको नहीं पता। अच्छा यहाँ पे इजीली, अच्छा आइए देखिए मैडम है, पीछे भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक दुकान और है और बाहर से बता रहे हैं कि बाहर से भी लोग यहाँ पर लेकर आ जाते होंगे। आइए पीछे आइए, यहाँ पे एक दुकान और है। चाचा ये गुमटी किसकी है, दुकान किसकी? अच्छा चाचा आप ही की है। अच्छा यहाँ पे अधिकारी कोई जाँच वाँच नहीं करता है? अब भैया शायद तो कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आवा था। अच्छा अंदर गंदगी भी हम खूब देखा। गंदगी का भैया, मान लो रात में
पुलिस वाले सब आग भगा देते हैं। अब मान लो यहाँ तो पकड़े नहीं रही हैं, वही लोग चले गए तो बाद में आदमी आके अंदर खाई से पीस अपन जहाँ तहाँ डाल दिए। अच्छा, अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो पान पुकार मसाला ये सब खाना मना है, स्मोकिंग सिगरेट पीना भी मना है, उसके बाद भी दुकान लगाने दे रहे हैं, कौन लगाने दे रहा है? लगावे कोई नहीं दे रहा है, मान लो अपनी मर्जी से नहीं सब है ऐसा, अपनी मर्जी से। देखिए, छोटे दुकानदार हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, डेली जीवन यापन के लिए सब वर्क हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो ऊपरी स्तर पर जो बड़े दावे किए जाते हैं वो दावे हर जगह फेल होते नजर आ रहे हैं। पीछे तक के आपको और दिखाऊंगा, और भी दुकानें हैं, जस्ट आप कुड़िया घाट के बाहर ही हैं, आप डायरेक्ट स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक और दुकान है बगल में, आप देख पा रहे हैं कुड़िया घाट के बगल में मंदिर है हनुमान जी का, और हनुमान जी के मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पर आप शॉप देख पा रहे हैं। चाचा ये बताओ भैया, सिगरेट मिल जाएगी यहाँ पे? जी नहीं। अच्छा, पान मसाला मिलेगा? जी नहीं, नहीं मिलता है। अच्छा, ये जो फिंगर फ्रेश लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है? तो कैमरा मैन से कहूँ जरा दिखाएं जरा, ये टोबैको कॉजेस कैंसर रुपए 10, ये क्या बैनर है जी? ये बैनर किस चीज़ का भैया? क्या जी? ये जो सिगरेट का विज्ञापन है किसी और चीज़ का? अब ये लड़का ही बता पाएगा जो बैठता है। अच्छा, ये जो पीछे जो पुड़िया मसाला जो लिखा हुआ, कैमरा मैन से कहूँगी ये भी दिखाएं, ये सब जो बिक रहा है इधर से, ये जो नीला वाला वो भैया क्या है? सुपारी है वो। सुपारी है वो जो पीछे पीछे दिखाऊं कहूंगा, ये जो पीछे जो सिगरेट भी आप साफ तौर पे देख पा रहे, बताने में असमर्थ है क्योंकि हो सकता है इनकी शॉप ना हो, लेकिन आप साफ तौर से देख पा रहे ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। आपको फिर से अंदर लेकर चलूंगा, मेरे साथ चलते रहिए, आपको अंदर की पूरी स्थिति दिखा रहा हूँ। आपने साफ तौर से देखा जोनल अधिकारी जो कि बिन्नू रिजवी कुछ ही समय पहले जा चुकी हैं, उसके बाद नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मौजूदा स्थिति में अजय कुमार द्विवेदी जा चुके, कोई भी नगर निगम का अधिकारी यहां पर आता नहीं है। कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ में चलते रहें, पूरी स्थिति यहां की आपको दिखाऊंगा। बगल में आप देख पा रहे हैं शिव मंदिर, जस्ट उसके सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पे हर चीज़ अवेलेबल है, जिस चीज़ों को मना किया जाता है। बड़े स्तर पर दावे बहुत किए जाते हैं कि वर्क हो रहा है, लेकिन वर्क के नाम पे क्या है? आप साफ तौर से यहाँ पर देख रहे हैं, एक बैनर लगाओ, फिर से वहीं पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पर दोनों तरफ आप साफ तौर देख रहे हैं, इधर तो कुछ सही दिखाई दे रहा है, डॉक्टर बिन्नू अब्बास रिजवी, अजय कुमार द्विवेदी, जो कि दोनों इस समय राजधानी लखनऊ में नहीं, इन लोग का ट्रांसफ़र हो चुका है। दूसरी तरफ आप अब एंट्री कर चुके हैं दोबारा से नो टोबैको जोन, कैमरा मैन से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं नो टोबैको जोन, ऑर्डर बाई म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर कहाँ है? म्यूनिसिपल कमिश्नर कहाँ है पता नहीं। बगल में आप देख रहे हैं 500 रुपये का जुर्माना, क्या है? धरातल पे कुछ भी नहीं। पीछे आइए मेरे, साफ तौर से आप यहाँ पे देख रहे हैं पवित्र कुड़िया घाट पर कपड़ा धोना एवं पूजन सामग्री प्रतिमाओं का विसर्जन प्रतिबंधित है, साफ तौर से आप देख पा रहे हैं सब कहाँ है। एंट्री करते हुए आपने देखा लोगों को कपड़ा धोते हुए, दूसरी तरफ देखा नहाते हुए, बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, कागजी कार्रवाई सारी पूरी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। ये कुड़िया घाट के अंदर का पार्क है जहां पर कपल्स आते हैं प्री वेडिंग शूट के लिए, 2000 रुपया शुल्क लिखा हुआ कुड़िया घाट पर, प्री वेडिंग शूट शुल्क 2000 रुपये, कुड़िया घाट पर फिल्म शूटिंग 30,000 रुपये, उसके नीचे लिखा हुआ 1,00,000 प्रतिमाह प्रति सप्ताह, इस तरीके से लिखा हुआ आप साफ तौर से देख रहे हो। बैनर की स्थिति साफ तौर से देख रहे हैं, क्या है यहाँ पर? क्या कोई अधिकारी नगर निगम का जांच करने आता है या नहीं आता, इस पर प्रश्न चिन्ह है। इस बोर्ड को देख करके आपको क्या लग रहा है इस पर भी लिखें। और पीछे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर शूट वगैरह के लिए तमाम बार यहाँ पर आए होंगे, शुल्क भी दिया होगा, क्या असुविधाएँ होती हैं या फिर क्या सुविधा होती है कपल्स के लिए, ये भी जानकारी करने का प्रयास करूँगा, और किस तरीके की यहाँ पर समस्याएँ होती हैं उस पर भी बात करूँगा। यहाँ पर देखिए आप साफ तौर से देख पा रहे हैं कुछ लोग हैं, भाई पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए आते रहते हैं? जी सर। कितनी बार लगभग आए होंगे सर? हम लोगों का तो होता है मंथली आते रहते हैं सर, मतलब आना जाना लगा आते रहते हैं। अच्छा, लगभग एक अंदाज़ा मान ले तो इस प्लेस पर आपने कितने प्री वेडिंग शूट किए होंगे? मैक्सिमम 34, अराउंड 34। आप लोगों ने भी किए होंगे, साथ में रहते होंगे पूरी टीम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम तुषार मिश्रा। तुषार भाई, आपका? हिमांशु गुप्ता। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे किस तरीके की सुविधाएं होती हैं आपको? सर जैसे आप देख सकते हैं ना, बैठने का कुछ है, हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनके कपड़े चेंज करने का कुछ वो रहता है, आप जो बोलते हैं हम उसे पेड करते हैं, एक्चुअली हम उससे बचते नहीं कि हाँ आप उससे कुछ कम कर लो, हम उसे पूरी दी जाती है रसीद का, हम पूरा पैसा देते हैं। और लेकिन तब भी इतनी असुविधाएँ हैं सर बैठने की, आप देख के जाओ यहाँ पे इतना थूका थका पड़ा रहता है कि घिन सा आता है।
और इसके साथ सर बहुत सारी कमियां हैं, जब कैंटीन में जाओ आपको सही से कुछ कैंटीन के नियम्स नहीं है, रूल्स बनाने के रखनी चाहिए कि बैठने का कुछ एक ऐसा ऑब्जर्व करा जाए कि हाँ आप भी आके बैठो, आप ही जैसे हो, सपोज़ दैट आपसे अगर कहा जाए इस गंदगी में बैठो तो बैठोगे आप? बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात और कर ले, यहाँ पर जाते हो 2000 रुपये बोला गया, ऊपर चार्ज लिया जाता 2000 ही? 2000 लिया जाता, मतलब ये ईमानदारी? नहीं नहीं, ये तो प्योर ईमानदारी, यहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं लेता। लेकिन जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही सर, 2000 में सोचो कुछ भी नहीं मिल रहा सर। हम इससे ज़्यादा पेड लोकेशन पर जाते हैं, बेस्ट हमें अथॉरिटीज़ मिलती हैं और उन लोगों का सर ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर चीज़ जो हमारे पास नहीं होती वो लोग लेके देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हाँ प्रोवाइड करते हैं। आप लोग भी कई बार आए होंगे, क्या असुविधाएं लगती हैं यहाँ पे? यहाँ पे वही असुविधाएं यही हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और नदी वगैरह साफ़ सफाई नहीं रखते हैं लोग। अच्छा ये कब से 34 बार बता रहे हैं लगभग आए हैं, तो 34 बार की अगर मैं बात करूं पिछले 10 बार की, तो कितनी बार आपको यहाँ पे सब कुछ साफ़ सुथरा दिखाई दिया होगा? एक बार भी नहीं। अरे काहे मजाक करो, एक बार भी नहीं? नहीं एक बार भी नहीं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए जो लोग आते हैं, ये सब कैमरामैन हैं या फोटोग्राफर्स हैं, बता रहे हैं साफ तौर से किस तरीके की असुविधा हैं और किस तरीके की अनियमितताएं बढ़ती जा रही। पार्क में ही दूर पर आपको दिखाऊंगा जहाँ पर आप साफ तौर से देख पा रहे हैं कुछ कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है और अधिकारी के नाम पर यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको क्या लग रहा पूरी खबर देख करके उसको लिखें। पीछे आप डस्टबिन देख रहे हैं, मेरे जस्ट पीछे देख रहे हैं डस्टबिन यहाँ पर है और कूड़ा वहाँ से बाहर पड़ा हुआ है, बैनर टप हुआ है। दूसरी तरफ आपने देखा नो टोबैको जोन में बगल में ही दुकानें हैं, सिगरेट पीते हुए लड़के गुजर जा रहे हैं। अंदर एंट्री करते समय जो कि पवित्र स्थली बताई गई है जहां पर लोग आरती और पूजा करने के लिए आते हैं, वहां पर लोग नहाते हुए दिखाई दिए गए। बैनर पर साफ तौर से लिखा है लेकिन नहाना प्रतिबंधित है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके का कार्य होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं उचित तेजकांत कैमरा पर्सन शुभम के साथ ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता रहूँगा पल पल की। धन्यवाद।